वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 चैप्टर 5 मैग्नेटोस्टैटिक ग्रिफिथ इलेक्ट्रोडायनेमिक बुक रिवीजन 4th का और टॉपिक है हमारे पास एम्पीयर्स लॉ। अभी हमने पिछले में पढ़ा था और हमने कहा था कि ये चीज़ एम्पीयर्स लॉ होती है, हमने इस चीज़ को देखना है। अब इसी से हम डेफिनेशन बनाएंगे कि लाइन इंटीग्रेशन, ठीक है, लाइन डी एल की वजह से लाइन इंटीग्रेशन और ये साथ क्लोज लूप। तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट इनक्लोज बाय द क्लोज लूप। तो ये इनक्लोज वर्ड यूज़ ज़रूर करना है और इसकी रीज़न जो थी वो हम पिछले लेक्चर 7 में देख चुके हैं। अब हमारे पास इसी की इंटीग्रल फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई। अब इस बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई को हम इस तरह से भी आगे लिख सकते हैं कि अगर किसी सरफेस के लिए हम लिखें तो आई इनक्लोज किसके इक्वल होगा, जे डॉट डी ए, ये भी पिछले लेक्चर में देखा था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इनक्लोज की जगह सिंपल उसकी वैल्यू पुट किया, तो हम इसको अगर फर्दर लिखना चाहें तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन इंटीग्रल फॉर्म यही रहने थे। उसके बाद डिफरेंशियल फॉर्म होती है डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे, जो कि हमारे पास कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, जिसको हमने प्रूफ लेक्चर नंबर 7 में किया है। अब जैसे यहाँ पे एम्पीयर्स लॉ है, सेम इसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमारे पास क्या होता है, गोजेस लॉ। गोजेस लॉ की इंटीग्रल फॉर्म क्या होती है, उसकी भी गोजेस लॉ की भी हमने क्या देखी थी, इंटीग्रल फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म। गोजेस लॉ की इलेक्ट्रोस्टैटिक में गोजेस लॉ की इंटीग्रल फॉर्म क्या होती है, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अवर एप्सिलॉन नॉट। सेम इसी तरह यहाँ पर भी क्या आता है, वर्ड इनक्लोज आता है, इसके भी इंटीग्रल फॉर्म में इनक्लोज आता है। डिफरेंशियल फॉर्म हमारे पास इक्वल होती है रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। जिस तरह मैग्नेटोस्टैटिक में एम्पीयर्स लॉ है, इसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक में गोजेस लॉ है। तो इन मैग्नेटोस्टैटिक एम्पीयर्स लॉ प्ले सेम रोल विच गोजेस लॉ प्ले इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसके बाद है इनकी एप्लीकेशंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक में गोजेस लॉ की एप्लीकेशंस क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक गोजेस लॉ इज़ हेल्पफुल टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सम चार्ज कन्फिग्रेशन। और वो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन कैसे हैं, हम स्फेरिकली, सिलेंड्रिकल या फिर सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं और लॉन्ग इनफिनाइट वायर। ये एप्लीकेशन और ये एजेटिस याद करनी है, बुक में है। फिर अब हमने मैग्नोस्टैटिक्स की एप्लीकेशन देखनी है। मैग्नोस्टैटिक में एम्पीयर लॉ इज़ हेल्पफुल टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सम स्पेशल टाइप ऑफ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। और वो हमारे पास कौन कौन सी है, इनफिनाइट करंट कैरिंग वायर, जो कि हमारे पास थिन भी हो सकती है, थिक भी हो सकती है। अब थिक के आगे से दो टाइप्स हैं, होलो वायर और सॉलिड वायर। होलो वायर क्या है, जिसमें से सिर्फ करंट सरफेस के ऊपर ऊपर फ्लो करे, अंदर से क्योंकि वो होलो है तो अंदर फ्लो नहीं करे, तो करंट इज़ ऑन सरफेस ओनली, इट इज़ होलो फ्रॉम इनसाइड। सॉलिड वायर में वो थ्री डायमेंशन हर जगह से फ्लो करेगा, अंदर से भी बाहर से भी, क्योंकि वो सॉलिड है, होलो नहीं है ना। नेक्स्ट है इन्फिनाइट प्लेन करंट कैरिंग वायर, जो कि थिन भी हो सकती है, थिक भी हो सकती है। फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट सोलेनाइड, और फिर टेराइड। टेराइड क्या होता है, सोलेनाइड हमारे पास ऐसे होते हैं, इंसुलेटर पे लाइंस वायर्स जो होती हैं वो ऐसे रैप हुई हुई और उसमें करंट फ्लो कर रहा हो। फिर उसके बाद टेराइड क्या होता है, अगर हम इसी चीज़ को ऐसे फोल्ड कर दें, रिंग फॉर्म में बना दें, तो सोलेनाइड से ही बनता है और उसकी रिंग फॉर्म होती है। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमारे पास कूलम्स लॉ होता है, गॉज लॉ होता है, मैग्नेटोस्टैटिक में हमारे पास बायोट सावर्ट लॉ और एम्पीयर लॉ होता है। अब नेक्स्ट इसकी हम एप्लीकेशंस देखेंगे डिटेल में सारी। एप्लीकेशन नंबर 1 जो है वो एग्जांपल 5.7 भी है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू थिन इनफिनाइट करंट कैरिंग वायर। अब इसमें हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ले लिए हमने, इनफिनाइट करंट कैरिंग वायर लिया। अब इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने रैंडम क्यों नहीं ली, हमने कहा था कि एस पे डिपेंड नहीं करती, तो हम इसको रैंडम भी तो ले सकते हैं। रैंडम इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, तो मुझे अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है तो मुझे यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन से बाहर लेना पड़ेगा, और वो तब हो सकता है जब ये कांस्टेंट हो। तो मुझे इसको कांस्टेंट रखने के लिए, अब देखो इसमें कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट तो नहीं है ना, जबकि अगर हम सर्कुलर लूप लें तो उसमें कांस्टेंट होती है। तो सिर्फ अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है उसको कांस्टेंट रखने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिया है, सर्कुलर लूप लिया है। अब यहाँ पर मैं एक स्मॉल एलिमेंट क्या ले लेती हूँ, डी एल ले लेती हूँ। अब डी एल की और मैग्नेटिक फील्ड की क्या है, डायरेक्शन सेम है, तो एंगल उनमें क्या होगा, ज़ीरो। तो मैग्नेटिक फील्ड और डी एल जो है वो सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल है, और एंगल उनके दरमियान क्या है, ज़ीरो। तो यहाँ पर बी डॉट डी एल को मैं सिंपल बी डी एल भी लिख सकती हूँ, इक्वल्स टू म्यू नॉट आई होता है, और इसको 0 to 2 पाई एस लिमिट हो गई।
यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सिंपल हमने कैलकुलेट कर ली, ये थी इसकी एप्लीकेशन। अब हमने इसमें क्या यूज़ किया है, एम्पेयर्स लॉ यूज़ किया, जबकि अगर हमारे पास एम्पेयर्स लॉ ना होता तो तब हम इसको सॉल्व करते तो हमारे पास बहुत लेंथी इसका सोल्यूशन निकलता, लेकिन अब एम्पेयर्स लॉ से सिर्फ दो स्टेप्स में हो गया। तो एम्पेयर्स लॉ करके हम अपने आंसर को ईजिली निकाल सकते हैं। ये इसकी एप्लीकेशन थी कि हमने इन्फिनाइट करंट कैरिंग वायर को इस तरह से ईजिली निकाल लिया। नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन होगी सोलेनोइड, जो हम नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।